हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्पेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, इसकी पहचान क्या होती है। क्रिया के अंत में आया, लिया, दिया, दी, ली की आज शब्द का प्रयोग, जैसे राम आया, मोहन गया, उन्होंने पत्र लिखा, मैंने दूध पिया, पिता ने अखबार पढ़ा, इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। मैंने पत्र लिखा था, उन्होंने दूध पिया था, पिताजी ने पत्र पढ़ा था, इस प्रकार के सेंटेंसेस कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अफर्मेटिव सेंटेंस। वर्ड ऑर्डर यानी शब्दों का क्रम कैसा होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वीरेन ने पुस्तक पढ़ी। सब्जेक्ट क्या है? वीरेन। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, राइट। सेकंड फॉर्म ऑफ रीड इज राइट। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सौरभ ने दूध पिया। सब्जेक्ट है सौरभ। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है पीना। पीना को इंग्लिश कहते हैं ड्रिंक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्राइंग, ड्राइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है डॉग। सौरभ ड्राइंग द मिल। नेक्स्ट एग्जांपल, संतोष आया। सब्जेक्ट है हमारा संतोष। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है आना, कम को कम केम, की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। राहुल ने पत्र लिखा। सब्जेक्ट है राहुल। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है राइट, रोड। सेकंड फॉर्म ऑफ राइट इज रोड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द लेटर। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे और एज हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज मुस्कान ने पत्र नहीं लिखा। सब्जेक्ट है मुस्कान। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इज राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम लिखेंगे राइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द लेटर। मुस्कान डिड नॉट राइट द लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल, वसु ने पुस्तक नहीं पढ़ी। सब्जेक्ट है वसु। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज डिड। इसके बाद नॉट यूज करेंगे, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इज रीड, रीड ही लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द बुक। वसु डिड नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा नहीं आई। सब्जेक्ट है राधा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड।
Given. Not. Verb to first form. Verb is come. क्योंकि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इसको ऐसा ही लिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, राम ने दूध नहीं पिया। सब्जेक्ट है राम, इसके बाद हेल्पिंग और टाइम आ गई थी, फिर नॉट। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इज ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द मिल्क। राम डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। नाउ वी विल सी इंटरोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट एस आर नो टाइप, सेकेंड डब्ल्यू एच टाइप। सबसे पहले हम एस आर नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस देखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज राम, क्या सुधा ने पुस्तक पढ़ी। हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है सुधा, देख सुधार। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश कहते हैं रीड। देख, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द बुक। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मोनिका ने दूध पिया। हेल्पिंग वर्ब इज डिड, प्रत्येक कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ड डिड यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है मोनिका, डिड मोनिका। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इज ड्रिंक। ड्रिंक, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द मिल्क। Did Monica drink the milk? Second टाइप is W star। इस प्रकार के sentences में सबसे पहले हम question words लिखते हैं। question words जैसे pen, hair, how many, how much, part, why, इस प्रकार के words question word के category में आते हैं। question word लिखेंगे, इसके बाद helping word did, फिर subject, वर्ब के फर्स्ट वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट एग्जांपल इज उन्होंने दूध क्यों पिया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं व्हाई, व्हाई। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ड डिड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा दे, बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इज ड्रिंक। फाइन इज ए ड्रिंक। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द मिल्क। फाइन इज दे ड्रिंक द मिल्क। नेक्स्ट एग्जांपल, रामू ने पत्र कब लिखा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है कब, कब की इंग्लिश वर्ब होती है व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है रामू। फाइव इज रामू। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इज राइट, राइट मीन्स लिखना। राइट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द लेटर। फैन रामू राइट द
फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।